नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, दोपहर 12 बजे तक नतीजा आने की उम्मीद भी है। वोटों की गिनती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में होनी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रा पंत, कांग्रेस के प्रत्याशी अंजू लुंठी और एसपी प्रत्याशी मनोज कुमार भट्ट के बीच मुकाबला है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। प्रकाश पंत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद 25 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग हुई। आज वोटों की गिनती होगी। अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके पाले में यहाँ पर जीत जाने वाली है। संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? जी, मैं आपको बताऊंगा कि पिथौरागढ़ विधानसभा में जो 25 तारीख को उपचुनाव हुआ था, जिसमें 1,05,000 के लगभग के मतदाता थे और जिसमें 48% मतदान हुआ था, वहीं अगर इस बार की बात करें तो सबसे कम मतदान इस बार ही रहा। क्योंकि अगर इसकी अपेक्षा पिछली बार का ले तो पिछली बार के ऊपर ही मतदान किया था। वहीं आज जो मतगणना होनी है सुबह 8 बजे से लेकर के मतगणना शुरू होनी है और इसमें मतगणना के लिए जो रिजर्व सहित 69 मतगणना कार्मिकों की तैनाती की गई है, वहीं मतगणना के लिए 14 टेबल भी लगाई गई है। प्रत्येक टेबल में 3 कार्मिक लगाए गए हैं, जिसमें से एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक सुपरवाइजर और एक गणना सहायक की भी तैनाती की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।